हेलो बच्चों, तो ये जो पहले वाला वीडियो में तुमने तो पढ़ लिया होगा, ये आर देखो हमने क्या क्या पढ़ा था। रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ा, और दोनों में क्या डिफरेंस है देखो। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस डजन डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर, बट रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन द इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंडक्टर, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कंडक्टर। मतलब आप टाइप ऑफ कंडक्टर को बदल रहे हो, मतलब पहले आपने आयरन लिया था, फिर आप कॉपर ले रहे हो, फिर आप सिल्वर ले रहे हो, सो क्या बदल जाएगा उसका? दे विल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ रो। बट रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड टेम्परेचर। फिर हमने लेंथ और डायमेंशन को लेकर हमने एक फॉर्मूला लिखा। क्या फॉर्मूला लिखा था? आर इज इक्वल टू रो एल अपन ए। अभी इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? इस वीडियो में हम देखेंगे इसी फॉर्मूला के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ न्यूमेरिकल। अच्छा देखो, उस न्यूमेरिकल का बेस क्या होगा? उस न्यूमेरिकल का ये बेस होगा कि आप जब लेंथ को और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को चेंज करते हो, हाउ डज रेजिस्टेंस चेंजेस, हाउ डज रेजिस्टेंस चेंजेस। सो यू चेंज लेंथ एंड यू चेंज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तो रेजिस्टेंस विल चेंज, रो विल नॉट चेंज, रो विल नॉट चेंज टिल द टाइम यू आर नॉट चेंजिंग द टाइप ऑफ कंडक्टर। सो मैं पहले कुछ इलस्ट्रेशन दूंगा। इलस्ट्रेशन मतलब जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस मैं करके बताऊंगा और फिर आप करो। सी, सपोज एक रेजिस्टेंस था, इलस्ट्रेशन नंबर वन। एक रेजिस्टेंस था जिसका लेंथ था एल, हमने क्या कर दिया? उसको स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच किया कितने में? टू एल कर दिया। अच्छा अब देखो, अगर हम उसको स्ट्रेच करते हैं, मान लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले इतना था, और देखो टू टाइम स्ट्रेच किया, वॉल्यूम नहीं चेंज हुआ, तो मान लो उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पहले ए था, अब कितना होगा? अब कितना होगा? ए बाई टू। क्यों? वॉल्यूम विल नॉट चेंज। यहां वॉल्यूम कितना? ए इंटू एल, इनको मल्टीप्लाई कर दो, ए इंटू एल। सो बिकॉज हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं, तो स्ट्रेच का मतलब है हम उसपे कुछ नया चीज ऐड नहीं कर रहे। सो अगर नया चीज नहीं ऐड कर रहे तो वॉल्यूम रिमेंस सेम। अच्छा देखो, मान लो कि क्वेश्चन में दिया है कि इसका रेजिस्टेंस आर है और इसका रेजिस्टिविटी रो है। इसका रेजिस्टिविटी कितना होगा? अभी भी रो होगा। क्यों रो होगा? क्योंकि मटेरियल तो मैं चेंज नहीं कर रहा हूं। सो आर का वैल्यू क्या होगा? रो एल डिवाइड बाई ए। अच्छा क्वेश्चन में पूछा है कि इसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। अच्छा मान लो इसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा? आर डैश। सो आर डैश का वैल्यू क्या होगा? इसका रेजिस्टिविटी क्या है? रो है। लेंथ कितना है? टू एल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए बाई टू। अब ये टू ऊपर चला जाएगा, इस टू में मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो टू इंटू टू इंटू फोर, इट विल फोर रो एल डिवाइड बाई ए। अरे रो एल डिवाइड बाई ए को तो हमने पहले आर ही बोला था, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? फोर आर। तो इसका क्या मतलब है? न्यू रेजिस्टेंस विल बी आर डैश इज इक्वल टू फोर आर, मतलब फोर टाइम्स रेजिस्टेंस बढ़ गया। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर टू। इलस्ट्रेशन नंबर टू, सेम क्वेश्चन, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। मतलब ये कंडक्टर है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, लेंथ एल है, रेजिस्टिविटी रो है और रेजिस्टेंस आर है। तो आर का वैल्यू क्या होगा? रो एल डिवाइड बाई ए। अब हमने उसको क्या कर दिया? थ्री टाइम्स लेंथ को बढ़ा दिया, थ्री एल कर दिया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो जाएगा? ए बाई थ्री हो जाएगा। अच्छा रो बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, क्योंकि मेरे मटेरियल नहीं बदला।
सो आर कितना हो जाएगा इसका, देखो रो की जगह में रो, लेंथ की जगह में क्या आएगा 3L, एरिया की जगह में क्या आएगा a by 3, इसका मतलब ये क्या होगा 9 रो l by a। अच्छा हम रो l by a को क्या बोलते हैं, r बोलते हैं, तो ये कितना हो गया 9r। अच्छा इन दोनों में एक चीज देखो, जब हम स्ट्रेच करते हैं, जब हम क्या करते हैं, जब हम स्ट्रेच करते हैं, हमने 2 टाइम्स स्ट्रेच किया तो लेंथ, तो रेजिस्टेंस कितना बढ़ गया, ये हो गया 4R। हमने 3 टाइम्स स्ट्रेच किया तो कितना हो गया 9R। अब बताओ अगर मैं 4 टाइम्स स्ट्रेच करूंगा तो क्या होगा, कितना रेजिस्टेंस बढ़ेगा, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा 16R। सो डू रिमेंबर ए शॉर्ट ट्रिक, एक शॉर्ट ट्रिक याद रखो कि न्यू रेजिस्टेंस R डैश विल बी, इसको मैं n बोलता हूं, कितने टाइम्स आप कर रहे हो, विल बी n स्क्वायर इनटू R, जहां पे n क्या है, कितने बार उसको कितने टाइम स्ट्रेच करते हो, ठीक है। सो ये इस स्ट्रेचिंग वाला क्वेश्चन हमेशा यू विल नॉट एक्सपेक्ट इन स्कूल एग्जाम, बट एनटीएसी में इस बार भी आया था, ओलंपियाड में भी तो आता रहता है, एनटीएसी ओलंपियाड और सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम बेस्ड जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसमें ये क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट टाइप ऑफ एग्जाम्पल और इलस्ट्रेशन विल बी कंप्रेसिंग। अब हम क्या कर रहे थे, स्ट्रेच कर रहे थे, अब क्या करेंगे, कंप्रेस कर देंगे। कई बार वो फोल्डेड ऑन इटसेल्फ भी आता है, देखो मान लो ये कंडक्टर है, लेंथ L, एरिया क्रॉस सेक्शन A, हमने इसको कंप्रेस कर दिया तो इसका वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा भाई, है कि नहीं, तो लेंथ 2 टाइम्स कंप्रेस किया, कितने बार 2 टाइम्स, टू टाइम्स नहीं समझेगा तुमको, मतलब कंप्रेस टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, कंप्रेस टू हाफ ऑफ इट्स लेंथ, हाँ मैंने गलत बोला था, तो एल कितना हो जाएगा अभी, एल बाई 2 हो जाएगा। अच्छा अभी एरिया कितना होगा, एरिया तो बढ़ जाएगा, एरिया कितना बढ़ जाएगा 2A हो जाएगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया। अच्छा इसका रेजिस्टिविटी रो होगा तो इसका भी क्या होगा, रो होगा। अब इसका आर कितना होगा, रो एल बाई ए, तो इसका मान लो रेजिस्टेंस क्या होगा R डैश, तो R डैश का वैल्यू क्या होगा रो, लेंथ कितना L by 2 और एरिया कितना 2A, तो ये कितना हो जाएगा 1 by 4 रो L by A, अरे रो L by A को तो हम R लिखा था पहले, तो ये कितना हो जाएगा R by 4। सो न्यू रेजिस्टेंस R डैश विल बी R डिवाइड by 4। अब 3 टाइम्स करते हैं, ये L, ये A, रेजिस्टिविटी रो, उसको 3 टाइम्स कर दिया तो क्या हो जाएगा, सॉरी 3 टाइम्स नहीं, 1/3 ऑफ इट्स लेंथ, क्या कर दिया 1/3 बना दिया लेंथ का। सो L कितना हो जाएगा L बाई 3, एरिया कितना होगा 3A, resistivity will be rho only, so here R was equal to rho L by A and here R dash kya hoga, R dash will be rho L divided by 3A or 3A, to ye kitna jaga 1 by 9 rho L by A or kya ho gaya R by 9। नो ध्यान से देखो कि कंप्रेशन का शॉर्ट ट्रिक क्या है, कंप्रेशन का शॉर्ट ट्रिक क्या है, जब हम उसको हाफ कर रहे हैं, हाफ ऑफ इट्स लेंथ,
आप वो फेल कर रहे हैं, तो आर डैश कितना हो रहा है, आर बाय फोर, जो हमको वन थर्ड ऑफ इट्स लेंथ कर रहे हैं, तो आर डैश क्या हो रहा है, आर अपन नाइन, और जब हम उसको वन फोर्थ करेंगे तब क्या होगा, आर डैश विल बी इक्वल टू आर डिवाइड बाय 16। सो अगर तुम इसको, मैं यहां बोलता हूं एन इज इक्वल टू टू थ्री और फोर, मतलब ये वाला नंबर टू थ्री फोर, सो यहां पे भी वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है नहीं, बट आर डैश क्या होगा, आर डिवाइड बाई एन स्क्वायर, जो मैंने एन को यहां पे टू थ्री फोर लिया था, वन बाई टू वन बाई थ्री वन बाई फोर मत बोलता, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन को मैंने टू थ्री फोर के टर्म्स में क्या, जिसको वन बाई टू अच्छा लगता है, वन बाई थ्री अच्छा लगता है, तो सीधा एन आर इंटू एन स्क्वायर भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, कैसे, देयर वाज ए कंडक्टर ऑफ लेंथ एल व्हिच इज फोल्डेड ऑन इटसेल्फ, व्हिच इज बाईफोल्डेड, बाईफोल्डेड भी लिख सकते हैं, बाईफोल्डेड, बाईफोल्डेड ऑन इटसेल्फ, मतलब क्या होगा, उसको एक बार ऐसे और एक बार ऐसे कर दिया। अच्छा देखो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन मान लो ए था, यहां पे क्या हो जाएगा, दोनों आसपास रखेंगे तो कितना हो जाएगा, टू ए हो जाएगा, और लेंथ क्या हो जाएगा, एल बाई टू हो जाएगा। क्वेश्चन में दिया था कि इसका रेजिस्टेंस कितना था, इसका रेजिस्टेंस था मान लो 16 ओम, तो इसका कितना हो जाएगा, आर डैश 16 बाई फोर, फोर ओम। बट तुमको उसको लिख के करना पड़ेगा जैसे मैंने पहले वाले में किया, अब इलस्ट्रेशन खत्म हो गया, अब मैं क्वेश्चन देता हूं, स्क्रीन को पॉज करना और उसका आंसर करना। ए कंडक्टर ऑफ सर्टन लेंथ ऑफ रेजिस्टेंस 27 ओम is trifolded on itself, find the new resistance, screen pause karo aur answer karo। ab dekho iska answer kya hai, now here is the resistance of length L of area of cross section A, trifolded का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा और ऐसा, मतलब यहां पर लेंथ कितना हो जाएगा उसका, L by 3, और देखो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होगा, 3 टाइम्स बढ़ जाएगा 3A। देखो इसका ये A था, ये वाला पार्ट का भी A होगा, ये वाला पार्ट का भी A होगा, कितना हो गया 3A। सिंपल, नाउ सीन द कंडक्टर इज नॉट चेंजिंग, इट विल बी रो, इट विल ऑल्सो बी रो, और आर विल बी इक्वल टू रो एल बाई ए, सो आर डैश कितना हो जाएगा, आर डैश विल बी रो एल बाई थ्री एंड थ्री ए, सो दिस विल बी व्हाट, वन डिवाइड बाई नाइन रो एल बाई ए, और रो एल बाई ए का वैल्यू कितना दिया था क्वेश्चन में, 27 ओम, ये ओम का सिंबल है, सो वन डिवाइड बाई नाइन into 27 will be what, 3 ohm। You can apply short trick and do it, but school ke exam mein aise karna, this is for your school exam, short trick karoge to marks cut diye jayenge, short trick is only for competitive exam like NTSC Olympiad is sab mein, theek hai। Ek aur question, I'm not writing the question full, मैं ये दिखा रहा हूं, एक लेंथ ऐसा था इसका लेंथ कितना था, L था, हमने इसमें ज्वाइन कर दिया, इसमें सिंपल ये कॉपर का था, हमने कॉपर का क्या कर दिया, उसको ज्वाइन कर दिया, ज्वाइन करके
उसका लेंथ ही बढ़ा दिया, उसका लेंथ को ऐसा नहीं बोला कि लेंथ बढ़ा दिया, उसका लेंथ को लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 100%। नाउ अर्लियर द रेजिस्टेंस वाज 200 ओम, फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। स्क्रीन को पॉज करो और आंसर करो। ओके आंसर देखो। अब क्या होगा कि सबसे पहले प्रॉब्लम कहां आया होगा बताओ, प्रॉब्लम यहां पे आया होगा। मान लो उसका लेंथ पहले कितना था L, अब कितना होगा, मैं 100% बढ़ाया तो मतलब लेंथ क्या हो गया, डबल हो गया। नहीं पता तो देखो, मतलब पहले लेंथ L था, 100% मतलब एक और L लग गया वहां पे, तो कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। नाउ एरिया क्रॉस सेक्शन इज नॉट चेंजिंग, सो ए हियर ए हियर, रो इज नॉट चेंजिंग, रो हियर, तो सिर्फ लेंथ बढ़ रहा है। तो लेंथ अगर सिर्फ लेंथ बढ़ रहा है तो क्या होगा, हियर R इज इक्वल टू 200 ओम व्हिच इज इक्वल टू रो एल बाई ए। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहां पे R डैश क्या हो जाएगा, रो एल की जगह 2L डिवाइड बाई ए, so it will be just two times of the resistance, so two times of 200 that will be equal to 400 ohm. ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए इतना। मैं कुछ क्वेश्चन भेज रहा हूं व्हाट्सएप में, उस क्वेश्चन को सॉल्व करो और शाम को हम जूम क्लास में मिलेंगे। जूम क्लास में मैं उसका लिंक भेजूंगा और उस लिंक में लॉगिन करो, लॉगिन आईडी भेजूंगा, लॉगिन करो और क्लास में ज्वाइन हो जाओ। मैं टाइम देता हूं, टाइम इज एग्जैक्टली एट 5 PM, 5 PM में क्लास में ज्वाइन होना, ठीक है। उससे पहले एट 4:45 को मैं भेज दूंगा लिंक भेज दूंगा, या तो उससे पहले भेज दूंगा और ज्वाइन हो जाना उस टाइम। और ये रहेगा सिर्फ डाउट सेशन के लिए, दिस विल बी फॉर डाउट सेशन, जो अभी मैंने पढ़ाया और जो मैं क्वेश्चन अभी भेजूंगा उसको सॉल्व करना। ओके बाय।